एफएनओ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। ये हमारी आठवीं क्लास है एफएनओ की पाठशाला की, और हमारे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। और हम बात कर रहे हैं, आठवीं क्लास हो गई, बिल्कुल आठवीं क्लास हो गई। और एफएनओ किसी ना किसी तरह से ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ऐसे कंफ्यूजन लग रहा था, इसे आसानी से हम समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे दर्शक भी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से आप बड़े आसानी से इसे समझा रहे हैं। एक्चुअली मैं बताऊं मानसी, फ्रेंकली जब मैंने एफएनओ सीखा था, मेरे ख्याल से ये साल रहा होगा कुछ 97-98 के आसपास का, और तब मैंने इतनी क्लासेस किए और एक बार क्लास करता था तो क्लास में बैठता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब समझ गया। अच्छा। और दूसरे दिन इतना कंफ्यूजन। अभी तक तो हम बहुत आसान आसान चीज़ें समझा रहे हैं, जब पुट कॉल स्ट्रेटजीज और मतलब क्या क्या नहीं, स्पेंड मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, ये वो, मतलब आगे धीरे धीरे चलते चलते बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मेरे दर्शकों को एक ही राय है कि जब भी ये कंफ्यूजन हो ना, मिस तो ना ही करें, बिल्कुल एक भी सेशन बीच का मिस किया तो आगे की कड़ी टूट सकती है, पहली बात। और फिर भी कर दिया तो आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या हमारे साइट पर, ट्विटर पे पुराने सेशन को जब मौका लगे रिपीट कर लें। दूसरा ये कि हर एक वीकेंड पर हम जो तीन तीन क्लास होगी उनको एक साथ जोड़ के आधा घंटे का शो हम वीकेंड पर भी टेलीकास्ट करेंगे, वहाँ भी लोग देख सकते हैं। कंटिन्यूटी बनी रहेगी, बहुत जरूरी है। और एक बात पक्के से बोल देता हूँ, एक बार सुन के नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल जब रिवीजन करने, ये वो क्लास है जिसमें रिवीजन करना ही पड़ेगा। अरे भाई मैंने खुद ने इतनी बार किया है, मैंने खुद ने इतनी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इतनी बार रिवीजन किया आप बता नहीं सकते। अच्छा 100% जैसे कि हम एक्सपायरी के बारे में समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तब तो हमारे मार्केट नहीं होते थे जब अच्छा। मैंने ये किया तब तक तो वायदा कारोबार शुरू ही नहीं हुआ था हिंदुस्तान में, ये उस जमाने की बात है, 95-96 उस जमाने में। फिर तो ये सारी डिटेल्स, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आपके लिए आराम है कि आपके सामने वायदा कारोबार है। आपको वो, हम तो उस समय सोचते फ्यूचर होता है क्या, निफ्टी फ्यूचर क्या होता है, जब शुरू ही नहीं हुआ, इसलिए आपके लिए थोड़ा आसान है। और जब आप समझाते हैं तो और भी आसान हो रहा है। चलिए अच्छी बात है। लेकिन एक्सपायरी को ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज रूम में मैं देखती हूँ एक्सपायरी जब होता है, जैसे कि मैं ये तो समझ पा रही हूँ कि हर महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होती है, हल्ला गुल्ला सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन कहो या कॉन्शियसनेस कहो, कंफ्यूजन कहो, डर कहो, एक्शन वाला दिन, एक्शन वाला दिन, तो मतलब क्यों ये क्या होता है? एक्सपायरी को आम बोलचाल की भाषा में कटान कहते हैं। कटान, कटान मतलब निफ्टी कहां कटेगा या स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस क्या होगा एक्सपायरी के दिन, यानी कि आखिरी गुरुवार को निफ्टी किस लेवल पर बंद होगा। तो अब उसमें इतना माहौल बनाने की क्या जरूरत है? देखिए कुछ तो वैसे जरूरत है, कुछ हम ही बना देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उस दिन जब हिंदुस्तानियों की, क्या पूरी दुनिया में सब लोगों की यही आदत है कि काम कब करते हैं हम, डेडलाइन पर, लास्ट डे जी, है ना। अगर आपको कोई काम 31 मार्च तक की डेडलाइन दी तो आप 31 को ही करेंगे, 30 को ही करेंगे, ये हमारी आदत में है, हमारे ब्लड में है वो सारी चीजें। सेम वे ऐसे ही ट्रेडर्स का भी है। जिन लोगों को मुनाफा हो रहा है अपने वायदा कारोबार की पोजीशन में, वो तो अपने आप को सब समझदार समझते हैं। देखो इस मार्केट की खूबसूरती यही है मानसी की, जिसको प्रॉफिट होता है उसको लगता है मैं तो समझदार हूँ, मुझे सब कुछ आता है। कोई ओपिनियन या राय लेने वही आदमी आता है जो नुकसान में हो। तो अब होता क्या है, अगर आपकी कोई ट्रेडिंग पोजिशन है, वायदा कारोबार का आखिरी दिन है सीरीज का, आखिरी गुरुवार है, आपको उस गुरुवार तक आपको डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? या तो मैं मेरी पोजिशन को ख़त्म कर लूँ, नुकसान बुक कर लूँ या प्रॉफिट बुक कर लूँ, जो भी हो, नहीं तो मुझे अगली सीरीज में ले जाना है जिसको हम रोल ओवर करते हैं, राइट, वो डिसीजन लेना है। तो जब डिसीजन लेने की ये घड़ी नज़दीक आती है, रिवर्स काउंटडाउन जो शुरू होता है कि भाई 3:30 बजने वाले हैं, पहले जो करना है कर लो, तब जो वो आखिरी एक दो दिनों में आपाधापी मचती है, तब ये देखा जाता है कौन हावी है, बाजार में तेजी की पोजिशन ज़्यादा है या मंदी की पोजिशन ज़्यादा है। और इसीलिए हम न्यूज़ रूम में, चैनल्स पे वो बड़े आयोजन करते हैं, पोल करवाते हैं एक्सपायरी कहाँ होगी, अलग अलग लोगों से ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि उस एक्सपायरी के बेसिस पर काफ़ी पोजीशंस ऐसी है जो इसी सीरीज में ख़त्म हो जानी है या अगली सीरीज में जानी है। और उसको मैं और ज़्यादा विस्तार से आपको तब बताऊंगा जब हम ऑप्शंस की डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ फ्यूचर्स की बात करें, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एक्सपायरी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑप्शंस के लिहाज से है। फ्यूचर में तो बड़ा आसान काम है, आपने माफ कीजिएगा कोई एक फ्यूचर बेचा हुआ है जी, आपको अगली सीरीज में ले जाना है, एक्सपायरी के दिन तुरंत आपने फ्यूचर खरीद लिया इस सीरीज का, इस सीरीज की पोजीशन खत्म, अगली सीरीज में वापस भेज दिया सामने सामने,
आपकी पोजीशन ओपन। लेकिन ऑप्शंस के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑप्शंस की वैल्यू घटती जाती है, आपने किस स्ट्राइक प्राइस का खरीदा है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो हम आगे आपको विस्तार से समझाएंगे कि एक्सपायरी की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि ऑप्शन की पोजीशन एक्सपायर होती है, वो रोल ओवर नहीं होती। अच्छा, उसे हम आगे नहीं ले जा सकते। हाँ, उसमें आपको फ्रेश ऑप्शन ही खरीदना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से भी ऑप्शंस की एक्सपायरी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। चलिए, तो ऑप्शंस में एक्सपायरी की इंपॉर्टेंस इससे भी ज्यादा बढ़ती है, हालांकि फ्यूचर में भी एक्सपायरी की इंपॉर्टेंस जो है शोर गुल होता ही है जब एक्सपायरी का दिन आता है। लेकिन अगर ये बात की जाए, जैसे आपने बोला पोल करवाते हैं, तो इससे अंदाजा आप कैसे लगाते हैं कि एक्सपायरी इस लेवल पे होगी, या जैसे आप बताते हैं तो इससे अंदाजा कैसे लगाया जाता है? बाल कितने मेरे काले दिख रहे हैं आपको? इसका मतलब क्लियर है कि मैं भी अभी तक ठीक ठीक से अंदाजा नहीं लगा सकता। जिनके बाल सफेद हो जाते हैं या उड़ जाते हैं पूरी तरह से, वो भी शायद एक्सपायरी किस लेवल पर होगी जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं खुद भी अभी तक सीख रहा हूँ, 25 साल हो गए। ये वाकई में बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, मार्केट की बड़ी पकड़ चाहिए, पल्स चाहिए, लेकिन उसका तरीका है। तरीका ये है कि अगर आप वायदा कारोबार के डेटा को बहुत ध्यान से, नज़दीकी से, क्लोजली फॉलो करें, अंदाजा लगता है। एक तरह से ट्रैक अगर किया जाए कि भाई किस लेवल पर किस तरह की पोजीशंस बनी हुई है, पुट में कैसी पोजीशन बनी हुई है, कॉल में कैसी पोजीशन बनी हुई है। अभी आप कन्फ्यूज होंगे पुट और कॉल क्या है, हम सब आगे सब बताऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट में इतना समझ लीजिए, वायदा कारोबार में जो पोजीशन खुली हुई है, तेजी की, मंदी की, पुट की, कॉल की, ऑप्शंस की, ये सारी पोजीशन को मिलाकर हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। और इन सबको मिलाने के बाद जो डेटा होता है, डेटा के बाद आपको अपनी जिंदगी का सारा अनुभव डालना पड़ता है, और उसके बाद भी पूरी पूरी संभावना है कि आप गलत पड़े। अच्छा, तो बहुत मुश्किल काम है एक्सपायरी का अंदाजा लगाना, लेकिन हम कोशिश करते हैं। आम दर्शकों के लिए तो ये बहुत मुश्किल काम होगा, कम से कम शुरुआत में जी, और स्पेशली जब आपके पास सारी डेटा की एक्सेस नहीं है, आप इतना डेटा पढ़ना समझना नहीं जानते हैं, उसको एनालिसिस नहीं करना जानते, तो फिर उसका दूसरा सॉल्यूशन यही है कि आप जी बिजनेस पे हमारा एक्सपायरी का पोल देखें जी। या अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक सा एनालिसिस कर लेता हूँ, एक्सपायरी के दिन बता लेता हूँ कि कहाँ क्या कुछ होने वाला है, तो फिर शो देख लें। लेकिन हाँ, ये काम मुश्किल तो बहुत है, और मैं फ्रेंकली बताऊँ मानसी, हर महीने जब मैं ये काम करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता मालूम है दो चीज़ों की होती है। एक, कहीं गलत एनालिसिस से मेरे दर्शक जो हैं वो नुकसान ना कर बैठे, और दूसरा मेरी इज्जत ना चली जाए। दोनों चीज़, आपकी क्रेडिबिलिटी भी दांव पर लगी होती है और आपके दर्शकों का पैसा भी। एक्सपायरी वाले दिन मैं सुबह सुबह ट्रैक करती हूँ, और मैं जानती हूँ अंदाज गलत होते नहीं है, कोशिश करते हैं सही हो जाए। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि मतलब किस तरह से, किस ट्रिगर्स से, लेकिन अब पता चल गया कि ये एक चीज़ है जिसे बहुत सारा अनुभव और कुछ हद तक डेटा एनालिसिस। चलिए, तो एक्सपायरी एक अहम मुद्दा है फ्यूचर ऑप्शंस की जब बात की जाए, तो आगे एक्सपायरी की अहमियत क्या है, किस तरह से एक्सपायरी में हम डील कर सकते हैं, क्या आगे इसकी अहमियत है, किस इम्पोर्टेंस कैसे हैं।